नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता रे। और सबसे पहले बात उस शख्सियत की जिसने पहले तो किसानों के आंदोलन पर ट्वीट किया, चर्चा बटोरी और अब एक ऐसी तस्वीर ट्वीट कर फिर विवाद में आई है जिस पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग रहा है। जी हाँ, ये है पॉप स्टार रेहाना, जिन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली जिसमें वो टॉपलेस नजर आ रही हैं और इसी फोटो में उन्होंने गणेश का एक नेकलेस पहन रखा है। ट्विटर पर इस तस्वीर के आने के बाद रेहाना पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग रहा है। एक नया विवाद अब छिड़ गया है। हालांकि क्या इरादे उस वक्त रहे, क्या किसी मंशा के तहत ये नेकलेस पहना गया, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक कोई भी सफाई रेहाना की तरफ से नहीं आई है, लेकिन विवादों में जरूर गिर गई है। वो वक्त भी आपको याद होगा, बकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके बाद उनका काफी विरोध हुआ, कई लोग सड़कों पर उतरे थे विरोध में। और अब एक नया विवाद रेहाना ने खड़ा किया और वो उसका माध्यम भी ट्विटर, जहां पर उन्होंने एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में दरअसल उन्होंने एक नेकलेस पहना है जिसमें आप देखेंगे तो भगवान गणेश की आकृति नजर आएगी। और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है कि आखिरकार इसकी मंशा क्या थी, क्या अपमान करना मंशा थी या गलती से हुआ। लेकिन माफी मांगना जरूरी है और रेहाना को अब इस पर माफी भी मांगना होगा, क्योंकि विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन धर्म की परीक्षा ली जा रही है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान लगातार बढ़ रहा है। पॉप सिंगर रेहाना ने एक बार फिर से ट्वीट किया और इस बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप उन पर लगा है और साथ ही जो टूल किट का मामला है वो गर्माता जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, पॉप सिंगर ने पहले किसानों के मुद्दे पर ट्वीट करके सरकार पर टारगेट किया था, इस बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। जो ट्वीट है उसमें है कि टॉपलेस होकर उन्होंने भगवान गणेश का नेकलेस पहना है। मैंने देखा नहीं है कि किसने क्या कपड़े पहने, कौन सा नेकलेस पहना, मैं देखा नहीं। मैं इतना जानता हूं कि आज भारत में सनातन धर्म के धर्ज की परीक्षा ली जा रही है। लोग एडवर्टीजमेंट में धर्म का प्रयोग करते, लोग सिनेमा बनाते तो हमारे देवी देवताओं के साथ मजाक करते। मेरे धर्ज की परीक्षा आप ना लें सनातन धर्म का। सनातन धर्म में ये भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। अब ये अति हो रहा है दुनिया में और देश में, किसी की हिम्मत नहीं किसी दूसरे धर्म पर कोई स्केच भी कर ले। इसीलिए अब अति सर्वत्र वर्जते, अब अति हो रहा। उदारवाद का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि कई सेलिब्रिटीज पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मैं कह दिया जो कहना था, मैंने कह दिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने रेहाना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की। ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट को देख करके अब इमीडिएटली, पहले तो सबसे पहले तो ट्विटर को जो है इसको अकाउंट को बैन करना चाहिए, इसके अकाउंट को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए और अमेरिकी सरकार को भी इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से लोग जो है हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का, कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई बहुत जरूरी है।